एयर इंडिया की दिल्ली मुंबई उड़ान में तकनीकी दिक्कत के कारण देरी से नाराज यात्रियों ने क्रू मेंबर्स के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की की और कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की धमकी भी दी। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया 865 उड़ान भरने में तकनीकी गड़बड़ी के कारण देरी हुई और इसे वापस लौटना पड़ा, जिस पर यात्री कॉकपिट का दरवाजा खटखटाने लगे और धमकियां देते हुए पायलट को बाहर आने के लिए कहने लगे। उन्होंने बताया कि एक पुरुष यात्री ने तो यहां तक कहा कि अगर पायलट बाहर नहीं निकले तो वे कॉकपिट का दरवाजा तोड़ देगा। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्री अपना आपा खो बैठे हैं और विमान के अंदर के हालात बद से बदतर हो गए हैं। अधिकारी ने बताया कि यात्री विमान के अंदर करीब 5 घंटे तक फंसे रहे। अधिकारी ने यह भी बताया कि एक महिला यात्री ने चालक दल के एक सदस्य के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की की। मुख्य निकास द्वार तत्काल खोलने के लिए उसने उसका हाथ तक पकड़ लिया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि चालक दल को मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। हालांकि विमानन नियामक DGCA के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने एयर इंडिया से यात्रियों के बुरे बर्ताव पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। Doesn't have the balls to do so. Don't do that. They'll open it. He just knocked.